चलिए आज का अपना क्या टॉपिक है, क्या टॉपिक है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क्स वाले। बिहार बोर्ड के करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन सा चैप्टर है अपना, 3रा चैप्टर यूनिट नंबर 2। स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के क्या 2 यूजेस है, क्या उपयोग है? तो उपयोग, सबसे पहला उपयोग क्या होता है इसका, ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल्स यदि है उसके ईएमएफ को कंपेयर करने काम करता है। मतलब एक का पता है तो दूसरे का क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो कह सकते हैं इट इज यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। दूसरा क्या, इट इज यूज टू डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। जैसे ये हमारा जो सेल है, ठीक है, इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस हम निकाल सकते हैं किसी भी सेल का। तो ये 2 यूज है। पूछा हुआ कब का, 2022, 2 मार्क्स के अंदर। सेकंड कह रहा है हमारा एक्सप्लेन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि एक रेसिस्टेंस का एक छोर दूसरे रेसिस्टेंस के एक छोर के साथ जुड़ेगा, पहले रेसिस्टेंस का दूसरा छोर दूसरे रेसिस्टेंस के दूसरे छोर के साथ जुड़ेगा, इसका जो कॉमन पॉइंट है वो तीसरे वाले के साथ जुड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से 3 रेसिस्टेंस है हमारे पास, एक रेसिस्टेंस कौन सा है R1, दूसरा रेसिस्टेंस R2, तीसरा रेसिस्टेंस R3, ये तीनों का कॉमन जो है, जो पहला एक कॉमन जो पॉइंट है इसके, वो तीनों आगे कैसे जुड़े एक साथ और दूसरे वाले के एक साथ। अब पैरेलल चूंकि कौन सा है ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर हमारा ध्यान में रखोगे कि पैरेलल पूछे भी हुए है ऑब्जेक्टिव में, पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर पोटेंशियल जो हमारा होता है भी वो तीनों के लिए सेम रहेगा। बटेगा कौन, कौन बटेगा, यहाँ पे करंट बटेगा। यहां से यदि आई गया है तो ये I1 इसमें, I2 दूसरे वाले में और I3 तीसरे वाले में। तो ऐसे कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं कि I = I1 + I2 + I3 और भी, जो ये हमारा भी है, ये भी बराबर V1 = V2 = V3। मतलब इसके लिए जो पोटेंशियल हमने लिया इसके लिए इस दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग टू, तो ये हो जाएगा V1, इसके लिए मान लिया V2 और इसके लिए मान लिया V3। ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, जबकि करंट तीनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। याद रखोगे किसमें, पैरेलल के केस में। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कुछ तो कहेंगे, कह सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फर्स्ट इंड ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस, सारे रेसिस्टेंस का पहला इंड कहां जुड़ा हुआ, आर कनेक्टेड टू वन इंड, एक इंड पे जुड़ा हुआ है। दूसरा सेकेंड इंड ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस, सारे रेसिस्टेंस का सेकेंड इंड दूसरे पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग। अब जस्ट जो बोले, हर एक के केस में हमारा क्या होगा, इच रेसिस्टर हैज द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब भी की वैल्यू सबके लिए क्या होगी, सेम होगी, एंड द करंट पासिंग थ्रू देम इज डिफरेंट। यहाँ क्या है, अलग अलग सबका करंट है, मतलब इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया। तो कह सकते हैं, ध्यान में रखोगे पैरेलल के केस में करंट बढ़ता है, पोटेंशियल सेम रहता है, जबकि सीरीज यदि होता तो वहां करंट सेम होता है और वहां पोटेंशियल क्या होता है, बट जाता है। मतलब ऐसा कुछ रहता, ये रहता, तो यहाँ पे पोटेंशियल V1 V2 V3 ये सब एक दूसरे के इक्वल नहीं होता, यदि ये R1 है, ये R2 है, ये हमारा R3 है, लेकिन करंट यहाँ जो जाएगा वही यहाँ से निकलेगा, वही यहाँ रहेगा, वही यहाँ रहेगा। ये किसके लिए, ये सीरीज के लिए, लेकिन पैरेलल के लिए उल्टा। पैरेलल के लिए क्या है, करंट अलग अलग होंगे, पोटेंशियल सेम होगा, जबकि किसके लिए, सीरीज के लिए हमारा पोटेंशियल अलग अलग होगा और करंट सेम होगा, ध्यान में रखेंगे। तो स्क्रीन का शॉट ले लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, राइट कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस फॉर ऑरेंज एंड येलो। इसके लिए ऑरेंज के लिए और येलो के लिए 2022 में 2 मार्क्स से पूछे हुए हैं। तो हम लोग पढ़े हैं वीवी रॉय, याद है वीवी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइट। ये किसके हिसाब से लिखा, BBROYGBVGW, उसके बाद क्या है, GBGBVGW,
पता है, याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए बहुत अच्छा सा है, किसकी वाइफ सबसे ब्रिटेन है, तो डिजिट याद ही रख सकते हैं। तो यदि हम ऑरेंज का लिखते तो ऑरेंज के लिए क्या है, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, ऑरेंज का 3, और हमारा येल्लो 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 का 4, येल्लो का 4, हो गया कहानी खत्म, आसान था। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। तो ऐसे समझिए कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं या इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उसके अंदर बहुत सारे रेसिस्टेंस लगे होते हैं जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए कि वो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है, उसे कलर कोडिंग की जाती है। उस कलर से पहचानते हैं हम लोग, क्या पहचानते हैं कि उसका रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, वो रेसिस्टेंस कितने ओम का वो रेसिस्टेंस है। तो वही चीज है, एक कलर कोड ऑफ यूज टू रिप्रेजेंट किसकी वैल्यू ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, विच इज कॉल्ड द कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। अब इस पे नॉर्मली देयर आर डिफरेंट कलर्स, देख रहे हो यहाँ पे कौन सा है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, सब अलग अलग कलर है, कभी सेम भी हो सकते हैं, दो कलर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट कलर। ऑन दिस स्ट्रिप दिख रहा है, स्ट्रिप के ऊपर अकॉर्डिंग टू विच द अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑन देम इज नोन। अब यही कलर्स बताते हैं कि इस रेसिस्टेंस का कितने ओम का रेसिस्टेंस का ये बहादुर है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे हम लोग को जो सिलेबस से पढ़ना है वो 4 डिजिट के लिए पढ़ना, मतलब 4 कलर के लिए ही पढ़ना है। तो 4 कलर के अंदर तो पहले 2 कलर्स होते हैं जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं, 2 रिंग्स होते हैं कलर वाले, जैसे ये हो गया और ये हो गया। इस दोनों को कहा जाता है फर्स्ट 2 डिजिट, मतलब इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, ये दोनों किस चीज को बता रहा है, फर्स्ट 2 डिजिट को। उसका जो थर्ड रिंग है, थर्ड रिंग कौन सा भैया, ये वाला जो हमारा है थर्ड रिंग, इसको हमने सी नाम रख दिया। ये किस चीज को बताता है, डेसिमल मल्टीप्लायर को, देखेंगे आगे। और जो हमारा लास्ट रिंग है जिसको हम लोग डी बोलते हैं, कौन सा रिंग, ये वाला लास्ट वाला, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टॉलरेंस, कहां तक ये बर्दाश्त कर सकता है, मतलब कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं होती है। हर एक इंसान की टॉयलेट करने की कैसे इंसान की कैपेसिटी होती है, उस तरह इसकी भी कैपेसिटी है कि कितने रेसिस्टेंस ये हो सकता है आगे पीछे थोड़ा, तो इसका टॉलरेंस होता है। 11th में पढ़ना था बहुत अच्छे से, तो किसी भी रेसिस्टेंस की वैल्यू यदि लिखना होगा तो ऐसे कुछ लिखेंगे, ए बी फर्स्ट 2 डिजिट इंटू सी, मतलब सी कौन सा, डेसिमल मल्टीप्लायर, और डी परसेंट ओम, और डी क्या है हमारा, टॉलरेंस है। तो इतना लिख दोगे आपको 2 out of 2 मिल जाएगा। जैसे ये हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये ए बी सी डी, यदि आप इतना लिख देते आपको मार्क्स में, थोड़ा सा इसमें और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। अब जैसे हमारे पास एक ये रेसिस्टेंस दिए हुए है, इसका हम चाहते हैं क्या करना, इसका चाहते हैं वैल्यू लिखना। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ये चार्ट चाहिए, चार्ट आप याद कर सकते हो, इजी है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, येलो, येलो क्या है, येलो ये है येलो, और डिजिट क्या है इसका 4, तो फर्स्ट डिजिट लिख दिए 4। बी पी, दूसरा कौन सा कलर है, वायलेट, वायलेट का 7 4 7 इंटू सी, मतलब थर्ड, ये हमारा सी, ये हमारा बी, ये हमारा ए, और ये हमारा डी। तो सी में क्या है, रेड है, रेड किधर है भैया, रेड, इसका हमको क्या लिखना है, मल्टीप्लायर लिखना है, तो रेड का ये लिखेंगे इंटू 10^2 प्लस माइनस डी परसेंट। डी में क्या है, डी में है गोल्ड, गोल्ड कहाँ है, यहाँ है, इसका परसेंटेज लिखना है, मतलब 5%, तो लिख सकते हैं इसका प्लस माइनस 5%, 47 × 10^2 प्लस माइनस 5% क्या बताएगा, आर की वैल्यू बताएगा, यदि कलर ऐसा कुछ दिया रहता तो। और याद करने के लिए अपन जानते ही हैं किसकी वाइफ सबसे ब्रिटेन है, तो ये ध्यान में रखेंगे। पूछ रहा है इधर बराबर 2 नंबर में पूछ दिया आपको, और ये कितने में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे हुए 2020, और इस साल भी पूछा है ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में। चलिए क्या कह रहे, 2 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस रेशियो 3/4, मतलब कह रहा है हमारा, क्या कहना चाहते हो भाई, कहना ये चाहते हैं हम आपको, R1/R2 = 3/4, ये पहला कह दिया, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए मतलब ये है भावनाएं इसकी, ऐसी ऐसे पैरेलल कनेक्टेड है, एक हमारा R1 है, एक हमारा R2 है, अच्छी बात है। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट प्रोड्यूस इन देम,
अब इसके हीट कितना प्रोड्यूस होगा इसको कंपेयर करना है। तो चलिए R1 by R2 equals 3 by 4 है, तो हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ, R1 बराबर 3x और R2 बराबर 4x। अब दोनों का रेशियो करोगे 3 by 4 आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, हीट। हीट बराबर क्या होता है, I square RT, और फॉर्मूला क्या होता है, V equals to V I into R, तो इसको लिख सकते हैं V square by R into T। अब दोनों में सेम टाइम के लिए करंट जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस, चूंकि दोनों कैसे जुड़े हुए, पैरेलल जुड़े हुए, तो दोनों का पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। अब जस्ट बताए थे कि पैरेलल कैसे पोटेंशियल भी सेम होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला बहादुर और ये वाला बहादुर दोनों के लिए, R1 और R2 के लिए, दोनों के लिए सेम। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, H बराबर क्या चीज, एक कांस्टेंट K मान लिए by R, तो H1 पहला वाले के लिए लिखते H1 बराबर K by R1 और H2 बराबर लिखते K by R2। अब दोनों का हीट का रेशियो पूछ रहा है, मतलब क्या पूछा जा रहा है, H1 by H2, H1 कितना K by R1 और R2। अब दोनों में के क्यों माने, क्योंकि दोनों केस में करंट सेम टाइम के लिए जाएगा और दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अब ये के से के साफ, यहां से क्या बच गया, H1 by H2 बराबर R2 by R1। अब R2 कितना, R2 को हमने माना 4x और R1 को 3x, 4x by 3x कट गया, तो हमारा क्या आ गया, H1 by H2 बराबर 4 by 3, तो 4 by 3 हमारा ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा चीज है, यदि फॉर्मूला पता है तो सब पता है, ठीक है। चलिए 2019 आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए थोड़ा सा प्यार इससे। चलिए ये अच्छा बात है कि तीन तीन बार पूछा है, तो थोड़ा सा इसको भीवीआई समझ के पढ़ लीजिएगा। 19, 16 और 15 तीन तीन साल पूछा है, 2 मार्क्स के अंदर पूछा क्या है, सेम ही चीज पूछा है। सबसे पहले ये पूछ दिया है व्हाट इज सन, ओके, और सेकंड पार्ट में पूछा है 19 के अंदर कि इट्स टू यूजेस, इसके दो उपयोग बताएं। इसमें से पूछा था यूज बताइए, इसमें पूछा यूज बताइए, क्या क्या उपयोग है, समझते हैं। तो संट क्या होता है, संट एक छोटू सा रेसिस्टेंस होता है जिसको किसके साथ जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलली, जो किसको कंट्रोल करता है, करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। अच्छी बात है, करो, हम क्या करें, ये स्मॉल रेसिस्टेंस कनेक्टेड टू इन पैरेलल, इसके साथ पैरेलली कनेक्ट करते हैं टू ए गैल्वेनोमीटर कॉइल, इन ऑर्डर टू किसको कंट्रोल, किसको, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज नोन एज संट। सीधा सीधा याद रखना है, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलली जोड़ देना है, और जो रेसिस्टेंस होगा उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटू सा रेसिस्टेंस होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, इसी छोटू से रेसिस्टेंस को, एस जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये जो एस लिखा हुआ दिख रहा है, यही हमारा क्या है, संट है। अब इसके यूज की बात करते हैं, चलिए यूज की बात करते हैं, तो इसको सबसे पहले क्या कहता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, गैल्वेनोमीटर कॉइल को, किस से, बर्निंग से। अब क्या करता है, ये कंट्रोल करता है करंट को, तो कंट्रोल करेगा तो क्या करेगा, इसको जलने से बचा लेगा। दूसरा क्या रहा है, इट कैन बी यूज टू कन्वर्ट एनी गैल्वेनोमीटर, किस में कन्वर्ट करता है, ए मीटर के अंदर और डिजायर रेंज तक, जिस रेंज तक हमको चाहिए, जितना की जरूरत है उस रेंज तक क्या करता है, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करता है, किस में, ए मीटर के। तो छोटू सा चीज है, आप लोग ध्यान में रखोगे, छोटू सा फिगर बना दो, दो लाइन लिख दो, कहानी खत्म। चलिए पैसा हजम, आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, 412 ओम रेसिस्टेंस, अच्छा आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 12 ओम के 4 रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड। पैरेलली का मतलब का भाई, ऐसा लो, ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा इसको, ये रेसिस्टेंस, ये एक, दो, तीन, चार, और सबकी वैल्यू कितनी दी गई है, 12 ओम 12 ओम 12 ओम और 12 ओम। अच्छी बात है, 3 सच कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये जो हमारा है, ऐसे ऐसे 3 जुड़े हुए कैसे सीरीज में जुड़े हुए, तो यदि हम इस पूरे का
निकाल लिए और एक रेसिस्टेंस बना लिए, तो इस पूरे का यदि पैरेलल है तो चलिए इसका आरपी निकाल लेते हैं। आरपी यदि निकाल लिए और इसको ऐसे ऐसे कितने कितने है भाई, थ्री, तीन को आरपी आरपी आरपी, इस तीनों को कैसे जोड़ देंगे सीरीज में जोड़ देंगे, तो जो ये तीनों का इक्विवेलेंट होगा वही हमसे पूछा जाए व्हाट विल द टोटल रेसिस्टेंस, तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। तब ये चूंकि पैरेलल था, पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है, वन बाई आर पी वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री प्लस वन बाई आर फोर, भावनाएं तो यही है। चलिए आर की वैल्यू 12 तो लिख सकते हैं, वन बाई 12 प्लस एक बट्टा 12 प्लस एक बट्टा 12 प्लस वन बाई 12, ये हो गया हमारा 4 बाई 12। इसकी वैल्यू 1 बाई RP की वैल्यू, तो यहां से हम लिख सकते हैं RP इक्वल्स टू 12/4 मतलब 3 ओम। अब मतलब 3 ओम के तीन रेसिस्टेंस कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला हम लोग को पता है RS बराबर R का 1 R का 2 R का 3, मतलब तीन 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 मतलब 3 + 3 + 3 मतलब 9। चूंकि रेसिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट, हम लिख लेते हैं इसको क्योंकि अब सारा सारा जुड़ के मिला था आर सीरीज वाला, तो 9 ओम। तो कितना हलवा था क्वेश्चन, 9 ओम। 2018 कंप्लीट, चलिए थोड़ा और देखिए 2018 का। अच्छा एक और है, इसको समझिएगा आसान है, पहले चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूजिंग थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेस ओम्स लॉ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज करके हमको क्या लाना है, ओम्स लॉ को लाना है। तो हम लोग जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, E m इनटू टाउ। इसमें E क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज या इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको छोटू E कहते हैं। कैपिटल E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। m क्या होता है, छोटा वाला ये जो m है इसको कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम कितना होता है। और हम लोग जानते हैं E बराबर पोटेंशियल के साथ ये रिलेशन होता है, E बराबर V बाय L। इससे पहले वाले में क्वेश्चंस में भी किए हैं और यूज भी किए हैं E बराबर V बाय L। तो इस E की जगह पे V बाय L चिपका देंगे तो क्या हो जाएगा, EV बाय ML इनटू टाउ। अच्छी बात है। करंट का फॉर्मूला कभी सुने होगा, NEABD, सुने कभी, देखे भी हैं NEABD। अब यहाँ पे वीडी को, ये वाला वीडी को यहाँ चिपका दिए तो हमारा क्या हो गया, एन ई ए वीडी जगह पे ईवी बाई एम एल, ईवी बाई एम एल इंटू टाउ। अब इसको वी बाई आई को एक तरफ करते हैं, ये हमारा क्या है, आई बराबर कितना आ गया, आई बराबर आ गया एन ई स्क्वायर ए वी बाई एम एल इंटू टाउ। अब हमको क्या निकालना, वी बाई आई निकालना है, तो वी इस तरफ आई इस तरफ, तो हम इसको सबको इस तरफ ले आते तो लिख सकते हैं एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए वी, और टाउ भी नीचे आ जाएगा, टाउ बराबर वी बाई आई लिख सकते हैं। इतना ही चीज तो यहां लिखा गया, वी बाई आई बराबर एम एल एन ई स्क्वायर ए, अच्छा वी तो निकल गया ना, वी तो रहेगा नहीं, चलिए ए उसके बाद टाउ, क्योंकि भी तो इस साइड रह गया, छोड़ना है उसको इस तरफ, तो इतना हमारा हो जाएगा। क्योंकि m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l क्या है, लेंथ, n क्या है, नंबर डेंसिटी, e क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, a क्या है, एरिया, और tau क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ये सारे के सारे वैल्यू फिक्स्ड है, ये बदल नहीं सकते हैं किसी कंडक्टर के लिए, तो नहीं बदल सकते हैं। तो ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट कहलाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं R के बराबर, तो लिख सकते हैं V by I equals to R, तो V बराबर I into R, और यही तो ओम्स लॉ होता है, V is directly proportional to I, ये प्रूफ हो गया हमारा। तो थोड़ा ये सब फॉर्मूले भी याद रखेंगे, काम देगा आपको, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं समझना है, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं कि साफ सुथरा आपको दिखे, आगे बढ़ा जाए भाई। चलिए क्या कह रहे हैं, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। मतलब ड्रिफ्ट स्पीड
और किसमें करंट में रिलेशन बताना है, बहुत अच्छी बात है। ये कब पूछा है, 2018 में। ऐसा ही कुछ कुछ पूछा है कब, 2016 में। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अच्छा ये एक्स्ट्रा पूछ दिया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, मतलब इसके अंदर ये इसका एक हिस्सा ये पकड़ा और एक्स्ट्रा किसको चिपका दिया, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छी बात है, दोनों साल का एक ही बार में। तो पहला पार्ट हम कर दिया व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और दूसरे में क्या कर दिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, देखिए यदि कोई हमारे पास कंडक्टर है और उसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन अस्थिर से रहने वाला प्रजाति तो है नहीं, वो तो उग्रवादी ऑक्टोपस है। तो उग्रवादी ऑक्टोपस क्या करेगा, हमेशा कूदते रहेगा, इधर से कूद के उधर, इस एटम से उस एटम, उस एटम से इस एटम, मतलब थोड़ा सा भी कुछ उसको मिला नहीं कि कूदना शुरू। तो मतलब ये मान लो शुरुआत में ऐसे ऐसे कुछ अपना चल रहा था, ओके, जैसे ये जो दिख रहा है लाइन, जिसको ये पहले फॉलो कर रहा था अपना, जब इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, मतलब ये आराम से पड़ा हुआ था ये कंडक्टर हमारा। तो जो ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरफ दिया, तो इलेक्ट्रॉन की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है। निगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स उसके ऊपर लगता है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जाता तो किधर जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो जो ही हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको डाला, मतलब इसको जोड़ दिए किसके साथ, पावर के साथ जोड़ दिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट होना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या करेगा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते करते ये क्या कर दिए, इतना सा शिफ्टिंग इसमें आ गई। तो पर सेकेंड कितने शिफ्टिंग किया, वही इसका क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड क्या, पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पॉजिटिव टर्मिनल भी समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो स्वाभाविक है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, तो मतलब स्वाभाविक है इस साइड कौन जुड़ा होगा, पॉजिटिव, और इस साइड कौन जुड़ा होगा, निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये शिफ्ट किसकी तरफ किया, पॉजिटिव वाले की तरफ किया, तो कह सकते हैं किधर, टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, पीछे भी देखे थे, पीछे क्या देखे थे, ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, क्योंकि वहां पे हमने आई नहीं लगा, मतलब माइनस साइन नहीं लगाया था, क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि वहां पे वेक्टर के फॉर्म में हमने नहीं लिखा था, हमने कैसे लिखा था, स्केलर फॉर्म में, मतलब सिर्फ बीडी यूज किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के लिए। तो माइनस साइन का मतलब क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ है उसके उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, इस तरफ, और ये जा किधर को रहा है, इस तरफ, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के उल्टे, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, ये माइनस है। तो कह सकते हैं निगेटिव साइन शोज दैट BD इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम। तो यही हमारा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पर हम काफी डिटेल में है, इतना सा आप समझ के रखिए। तो ये आपको आराम से नोट करके रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरा पार्ट क्या, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट ये वाला याद होगा, अभी जस्ट इक्वेशन को यूज किए थे, ठीक है। तो यही रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताना। चलिए कुछ चीजें मानते हैं, पहले कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, ये हमारा कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है, भैया चल जाया करो थोड़ा, हाँ कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है, एल है, कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, ओके लेंथ एल, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, कहाँ है, यहाँ है, एंड एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन को कहते हैं नंबर डेंसिटी, और पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये कौन बताता है, एन बताता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर, मतलब क्या कहना चाहता है, एन के यूनिट की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारा एन है। यदि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यदि वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए, तो इसमें से क्या हो जाएगा, यदि वॉल्यूम से इसको गुना कर देते वॉल्यूम के साथ दोनों साइड, तो इस साइड से वॉल्यूम साफ हो जाता है, इधर से क्या बचता, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, v into n, तो v क्या है, v हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसका कैसे निकलेगा, एरिया इंटू लंबाई, मतलब कह सकते हैं n और n का n और एरिया का a इंटू l, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको बता देगा, तो कह सकते हैं n a l। चलिए अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, तो चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, E, मतलब 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होंगे, तो भैया E से मल्टीप्लाई कर दो एलिमेंट्री चार्ज से, तो N E A L। आगे तो टाइम टेकन बाय द ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस कंडक्टर, अब टाइम कितना इसको लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है, याद होगा वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, तो डिस्प्लेस या डिस्टेंस बाय, डिस्टेंस मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट कब लिखेंगे, डिस्टेंस मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट कब लिखेंगे, जब वेलोसिटी की बात करें तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही अच्छा रहता है। चलिए तो कितने का कवर किया ये लेंथ, एल, एल और वेलोसिटी कितना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी से तो वो चलने वाला है, किधर चलने वाला इलेक्ट्रॉन, ये प्लस के साथ जुड़ा हुआ है प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा, इस साइड हमारा माइनस के साथ जुड़ा हुआ है तो माइनस रहेगा, तो कह सकते हैं LY VD, ये हमारा टाइम हो गया, करंट बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, Q by T, Q तो हमने निकाल लिया कितना, NEAL, NEAL, और यहां से टाइम कितना निकाल लिया, LY VD, LY VD, अब इसको दाया बाया करेंगे तो ये L से L साफ, ये VD चला जाएगा ऊपर, तो NEA VD, तो यही हमारा क्या हो गया, करंट के बराबर, तो I equals लिख सकते हैं NEA VD, तो ये रिलेशन किसके बीच का है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का, तो VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, N क्या है, नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और I क्या है हमारा, करंट है। ध्यान में रखिएगा हर एक टर्म को समझ में रहना चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या रहा है, एक्सप्लेन दैट किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है, क्या कहता है कि किसी सर्किट के अंदर, ये हमारा जैसे कोई सर्किट है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है या पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो हो रहा है, वैसे पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो होता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है तो इसके टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन ए रेसिस्टेंस और पोटेंशियल ऑन सेल दोनों का सम जो होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, मतलब ये जितना पावर दे रहा है उतना पावर को ये क्या कर रहा है, यूज करेगा, तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल्स किसके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसका, सेल का, इज इक्वल्स टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ किसका, प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस यूज इन दी सर्किट, ये रेसिस्टेंस जो यूज किए हैं वो, एंड दी करंट फ्लोइंग, जो इससे करंट हमारा आई फ्लो कर रहा है वो, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर कौन होता है हमारा ईएमएफ, तो कह सकते हैं सिंपल सा, यदि इस सर्किट की बात करते हैं तो एक ही सेल लगा हुआ, एक ही हमारा क्या है रेसिस्टेंस है, तो यहां से ये लिखते थे ई इज इक्वल टू लिख सकते थे आई इंटू आर, तो चूंकि जो ये हमारा करंट चला मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन चले या पॉजिटिव चार्ज चले, ठीक है ऐसे चलता तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको चलाने के लिए कौन मेहनत किया, ये, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यही कहता है ना, तो यहां भी तो कोई कुछ क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि ये चला काम किया किसके कारण, इस ई के कारण, इसी ई के कारण काम किया, तो इसको काम करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये, यदि ये नहीं होता क्या करंट चल जाता, नहीं ना चलता, तो एक कन्वर्ट हो रहा है दूसरे में, तो कह सकते हैं हेंस इट इज क्लियर दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द रेसिस्टेंस यूज्ड इन द क्लोज सर्किट इज ड्यू टू द सोर्स ऑफ किसके कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमारा करंट चलाने का किसके कारण ईएमएफ के कारण हो रहा है, तो कह सकते हैं सिंपल सा ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, या हम सीधा सीधे लिख सकते हैं ई माइनस आई आर इक्वल्स टू जीरो।
चलिए थोड़ा सा लिखिएगा आराम से। हाँ, क्या कह रहा है, टू बल्ब रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल पावर लॉस। ठीक है, अच्छी बात है, 100 वाट 220 वोल्ट। तो यहां से यदि हम निकालना चाहे तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, अभी जस्ट लिखे थे, क्या लिखते थे, P इक्वल्स टू वर्क एनर्जी एंड पावर, पावर आई स्क्वायर आर टी से हम निकालते हैं, आई स्क्वायर आर टी टी आई स्क्वायर टू वी स्क्वायर बाई आर, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होगा, आर इक्वल्स टू लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई पी, और वी कितना दिया 220 वोल्ट 220, और पावर कितना दिया 100। तो यहां से हमको कितना मिल गया, सॉरी 220 × 220 भी स्क्वायर है ना इतना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, फोर एट फोर ओम। इसको सॉल्व करोगे, लड्डू से लड्डू कट गया, 22 × 22 = 484। ये हमारा रेसिस्टेंस निकल गया, अच्छी बात है। अब 240 वोल्ट पे, ठीक है, इस वोल्ट के ऊपर यहाँ पावर कितना कंज्यूम करेगा, तो पावर इक्वल्स टू क्या जान रहे हैं, वी स्क्वायर बाई आर। वी तो हमको पता है कितना दे के रखा है, 240 का स्क्वायर, और रेसिस्टेंस कितना दे के रखा है, रेसिस्टेंस 484। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1191 9 1। तो 240 पे कितना आया, 119, पहले कितना था 100, तो पावर लॉस कितना, 119 - 100 मतलब 19 वाट का पावर लॉस होगा। तो कह सकते हैं 19 वाट का हमारा क्या होगा, पावर का लॉस होगा। सिंपल सा कुछ नहीं है, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जानते हैं, यहां से हमने रेसिस्टेंस निकाल लिया। ओके, इस रेसिस्टेंस को यूज कर लिया वापस से किस वोल्ट के लिए, 240 वोल्ट के लिए, तो वी स्क्वायर बाई आर, आर की वैल्यू 484 जो यहां से निकाले थे, और भी कितना दिया 240 का स्क्वायर, और ये आ गया हमारा 119 वाट पावर लॉस। पहले इतना था, कितना था पहले पावर 100 वाट का, अब की बार कितना यूज कर रहा है ये 119, दोनों का डिफरेंस निकालिए, 19 वाट हमको निकल गया पावर लॉस। ओके, स्टेट किरचॉफ्स टू लॉस फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ये आपको 5 नंबर में भी पूछे हुए है, फिलहाल 2 नंबर में देखते हैं। दोनों लॉ को बताना, पहला लॉ क्या कहता है कि किसी जंक्शन पॉइंट पे करंट का, जो आने वाले करंट और जाने वाला करंट दोनों का सम 0 के बराबर होगा, या दूसरा कह सकते हैं जितना आया है उतना जाएगा। तो सिंपल सा, सबसे पहली चीज ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, मतलब जितना चार्ज आया उतना चार्ज जाएगा। जंक्शन पॉइंट मतलब इस वाले पॉइंट पे कोई रुकने वाला नहीं होने वाला। क्या सकते, क्या कहता है ये हमारा, द अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज 0। तो इलेक्ट्रिक कहां पे, जंक्शन पॉइंट पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी किसी भी नेटवर्क के लिए क्या होता है, उसका सम 0 के बराबर होता है। मतलब यहां देखेंगे तो ये बहादुर आ रिया है, ये जा रिया है, ये भी जा रिया है, ये भी आ रहा है और ये जा रहा है। तो जो आ रहा है मान लिए उसको हम पॉजिटिव, पॉजिटिव माने है ना I1, हाँ, जो आ रहा है उसको पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन के अंदर पढ़ोगे, जो आवत है उसको पॉजिटिव और जो जावत है उसको निगेटिव। तो यहां से लिख सकते हैं कौन कौन आ रहा है, I1 आ रहा है, और कौन आ रहा है, I4 आ रहा है, जा कौन रहा है, I2 I3 और I5, मतलब ये सब निगेटिव, I2 - I3 - I5 सबका सम कितना हो गया 0, वही तो हमने यहाँ लिखा। तो यहां से प्लस वाले को एक साइड, माइनस वाले को दूसरे साइड, तो जितना आवत है उतना ही घर को जावत है, तो आना जाना लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या होता है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दोनों के लिए वैलिड है, एप्लीकेबल होता है। ये पहला लॉ है किरचॉफ्स का कि किसी जंक्शन पॉइंट पे सम ऑफ द करंट क्या होगा हमारे 0 के बराबर होगा, मतलब जितने करंट आएंगे उतने करंट वहां से जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड लॉ,
चलिए फर्स्ट लॉ को और कुछ याद रखिएगा, इसको करंट लॉ भी कहते हैं और जंक्शन रूल भी कहते हैं, याद रखेंगे फर्स्ट लॉ को। दूसरा हमारा क्या है, सेकेंड लॉ, इसको वोल्टेज लॉ भी कहते हैं या इसको लूप रूल भी कहा जाता है। इस लॉ में क्या कहा गया है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप एंड ईएमएफ अलोंग एनी क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। मतलब क्या, पोटेंशियल ड्रॉप किसके कारण, सम ऑफ द ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप एंड ईएमएफ, पोटेंशियल ड्रॉप किसके कारण होता है, ये जो रेसिस्टेंस दिख रहा है बहादुर, ये सब पोटेंशियल ड्रॉप करते हैं, और ईएमएफ मतलब जो बैटरी हमारे लगे हुए हैं ये ईएमएफ है। इन सब का सम किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए क्या होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं। इसके अंदर भी हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करें, याद होगा साइन कन्वेंशन में यदि हम निगेटिव वाले से, इधर है ब्लू भाई, यदि ये हमारा कौन सा होता है निगेटिव, ना दिख रहा अच्छा से, हाँ ये हमारा निगेटिव वाला बहादुर, ये हमारा पॉजिटिव वाला बहादुर, यदि हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, किधर चलते हैं, हमारे चलने का तरीका कैसा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ईएमएफ को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। यदि उल्टा चलते हैं पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, कहाँ चलना है, इस वाले सेल के अंदर की बात हो रही है, निगेटिव से पॉजिटिव तो ईएमएफ पॉजिटिव, यदि उल्टा करेंगे तो ईएमएफ निगेटिव। उसी तरह यहाँ यदि करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब माइनस आया, यदि करंट के उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल राइज होगा, करंट के उल्टी दिशा में यदि हम चलते हैं। अब हम कैसे चलते हैं, या आप भी चले होइएगा, थोड़ा हम भी चल के देखते हैं। लाल लाल है, चलिए पीला करते हैं इसको। चलिए सबसे पहले कौन से लूप की बात करें, ए बी सी ए, ए बी सी ए, चलिए इस लूप के अंदर हम चलते हैं ऐसे, चलो ऐसा एक बना लिए, ए से बी, बी से सी और सी से ए। अब इसके अंदर देखोगे जब ए से बी को जा रहे थे, सबसे पहले कौन मिला हमारा, ये वाला बैटरी मिला, इसमें प्लस वाला ये है और माइनस वाला ये है। देखिए इतना आपको लिखने के लिए नहीं बोला गया, आपको सिर्फ क्या बोला गया, दो नंबर का, दोनों का आपको फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ लिख देना था, सफिशियंट है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा रहे हैं। तो पॉजिटिव से निगेटिव, यहाँ क्या देखिए, निगेटिव से पॉजिटिव जाते तो प्लस लेते, लेकिन जब पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे माइनस वन लिखा गया। उसके बाद हम कैसे चल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले करंट डिवाइड कर लो, पहले करंट कैसे चल रहा है, यहां से हमारा जो करंट निकला उसको हमने क्या बोला I1, इस वाले सेल से जो करंट निकला उसको I2, तो यहाँ इस वाले में भी I2 जाएगा और यहाँ पे ये I1 और ये I2 दोनों आके जुड़ जाएगा, तो इस वाले वायर के अंदर I1 प्लस I2 यहाँ से निकलेगा वापस, जिस सेल से I2 निकला था वही उस सेल के अंदर I2 वापस आ जाएगा, और जिस सेल से हमारा I1 चला था वो I1 वापस उस सेल की तरफ चला जाएगा। तो जब ए से बी की तरफ जाते हैं सबसे पहले हमको क्या मिला, ये सेल मिला, ये सेल कैसे है, हमारे चलने का तरीका क्या है, इस तरफ मतलब प्लस से माइनस की तरफ, तो प्लस से माइनस की तरफ नहीं, माइनस से प्लस की तरफ चलते तो पॉजिटिव होता अदरवाइज निगेटिव होगा, इसलिए हम इसको क्या लिखे माइनस इवन। अब ये रेसिस्टेंस के अंदर करंट कैसे चल रहा है ऐसा, और हम कैसे चल रहे हैं उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट के, यदि सेम डायरेक्शन में चलते तो हमारा क्या होता निगेटिव, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, करंट उधर से आ रहा है हम इधर से जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे प्लस, तो प्लस आई इंटू आर वन, और आई कितना है ये, इसमें आई वन करंट है तो आई वन इंटू आर वन। अब ये बहादुर पहुंचा कहाँ, चलते चलते बी, बी से आगे चला कुछ नहीं है बीच में, सी पहुंचा, सी से जो ही हम ए की तरफ जा रहे हैं तो हमको ये बहादुर मिल रहा है, इसमें भी क्या है करंट का डायरेक्शन ये और हमारे चलने का जस्ट उल्टा, इसमें करंट कितना चल रहा है आई वन प्लस आई टू और रेसिस्टेंस क्या है आर टू, तो इसमें भी क्या आएगा दोनों एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं, तो ये भी प्लस देगा, तो प्लस I1 प्लस I2 इंटू आर टू बराबर जीरो। उसी तरीके से लूप टू की बात करें, लूप टू की बात करें, कौन सा लूप, ए सी डी ए, ए सी डी ए, चलिए इसमें भी चल के देख लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ए से सी, सी से डी, डी से ए, तो ए से जो ही सी की तरफ जाएंगे तो हमको क्या मिला, ये रेसिस्टेंस, इसमें करंट कैसे चल रहा है, जैसे हम जा रहे हैं ए से सी हम भी जा रहे हैं और करंट भी ए से सी जा रहा है, और करंट क्या जा रहा है आई वन प्लस आई टू और रेसिस्टेंस क्या है आर टू, करंट के डायरेक्शन में यदि हम जाएंगे तो क्या मिलेगा माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू आर टू। फिर कहाँ पहुंचे सी पे, सी से आगे चले तो हमको सबसे पहले ये रेसिस्टेंस मिला, हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या है
सेम है, थोड़ी वापस से माइनस, क्या माइनस आई टू आर थ्री, माइनस आई टू आर थ्री। अब क्या मिला सेल, सेल का ये निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, अब निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो मतलब प्लस, प्लस ई टू, प्लस ई टू बराबर जीरो। ये आप लूप लिखना सीख जाते हैं तो आपको अच्छा है। यदि पांच नंबर पूछेगा तो बाबू आपको ये फिगर भी बनाना पड़ेगा और ये वाला भी लिखना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से दोबारा से देख लीजिएगा कैसे लिखे हैं हमने, आसान है यदि आप साइन कन्वेंशन याद रखते हैं तो। पांच नंबर वाले में साइन कन्वेंशन एकदम डिटेल में लिखेंगे। चलिए क्या कह रहे हैं, ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 16 ओम इज इलोंगेटेड टू डबल इट्स लेंथ, फाइंड न्यू रेसिस्टेंस। अब क्या किया गया, एक हमारा वायर है, चलिए ये हमने बोल दिया एक वायर है जिसका अपना कुछ एक लेंथ होगा, चलिए एल वन, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा मान लिया ए वन, इलोंगेटेड टू डबल इट्स लेंथ। अब इसके लेंथ को दुगुना कर दिया गया, अच्छी बात है, तोड़िए दो ना, ये दिक्कत है ए टू, और लेंथ अब क्या हो गया इसका एल टू, तो क्या कह रहे हैं दुगुना कर दिया, मतलब क्या है एल टू बराबर कितना टू एल वन, ये हमको क्वेश्चन कह रहा है। ओके फाइंड द न्यू रेसिस्टेंस, तो अब ये जो हमारा वायर है इसका नया रेसिस्टेंस क्या होगा जब हम ऐसा कुछ कांड इसके साथ कर दिए तो ध्यान में रखोगे किसी भी चीज को लंबा करेंगे ओके या छोटा करेंगे उससे उसका वॉल्यूम अकेलौता बहादुर जो चेंज नहीं होगा, उसके एरिया भी चेंज होगा, लेंथ यदि बदलते हैं तो एरिया भी बदलेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, मतलब पहले वाले वायर का वॉल्यूम और दूसरे वाले वायर का वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। तो कह सकते हैं वी वन बराबर वी टू, पहले वाले का वॉल्यूम क्या होगा लेंथ इंटू एरिया, मतलब एल वन ए वन बराबर दूसरे वाले का एल टू ए टू। हमको पता है L1 A1 बराबर L2 कितना 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 L2 बराबर 2L1 into A2, L1 से L1 साफ, यहां से A1 बराबर क्या लिख सकते हैं 2A2, या A1 by A2 बराबर क्या लिख सकते हैं 2। एक हमको ये पता चल गया दोनों के एरिया का रेशियो, लेंथ का भी रेशियो हमको क्या पता है L2 by L1 बराबर 2, ये भी हमको चलिए पता है। अब हमको इसका रेसिस्टेंस और इसके रेसिस्टेंस का कंपेयर करना है, इसका रेसिस्टेंस 16 दिया था, अब इसका क्या होगा, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला R1 के लिए, पहले वाले के लिए जिसका 16 दिया है, R1 बराबर कितना लिख सकते हैं रो L1 by A1, और R2 के लिए लिखते तो क्या लिखते, क्योंकि मटेरियल तो सेम है रेसिस्टिविटी सेम होगी L2 by A2, हमको R2 निकालना है तो R2 by R1 निकल रख देते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं रू एल टू बाई एल वन, सॉरी एल टू बाई ए ओके ए टू डिवाइडेड बाई ए वन, कितना लिख सकते हैं ये सी ये साफ, यहां से इसको थोड़ा सा और लिखेंगे तो लिखेंगे एल टू बाई L1 into A1 by A2, हमको पता है L2 by L1 कितना दिया है क्वेश्चन में 2, और A1 by A2 निकाल चुके हैं 2, तो मतलब 2 into 2 बराबर 4, यहां से हमको पता चल गया R2 by R1 बराबर कितना 4, तो R2 बराबर क्या होगा 4 into R1, और R1 की वैल्यू कितनी दी रखी है 16 ओम की, तो 4 इंटू 16 मतलब 64 ओम, 64 ओम। मतलब इसमें ध्यान क्या रखना है सीधा सीधी कि वॉल्यूम हमेशा क्या होगा दोनों केस के लिए सेम रहेगा, एरिया भी बदलेगा, यदि लेंथ बदलोगे तो एरिया बदलेगा, एरिया बदलोगे तो लेंथ बदलेगा, अच्छी है। चलिए आगे चलते, 13 हो गया, 14 क्या कह रहा है, व्हेन टू रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल देन देयर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर 16 ओम एंड 3 ओम। दो रेसिस्टेंस है, चलिए मान लिया पहला हमारा R1 है दूसरा हमारा R2 है, यदि क्या किया जाए पहले सीरीज में जोड़ा गया, मतलब इसको ये R1 ये हमारा R2, तो R इक्विवेलेंट कितना आया इसका 16 ओम आया, दूसरी बार क्या किया गया पैरेलल जोड़ दिए,
जोड़ो ना भैया हमारा कहा जाता है। ओके, ये हमारा आर वन, ये हमारा आर टू। तो पैरेलल जोड़ने का क्या फॉर्मूला होता है आर थ्री का? वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। और आर थ्री की वैल्यू कितनी देके रखी गई है? थ्री, मतलब वन बाई थ्री। यहां से और लिखते तो क्या लिखते, वन बाई थ्री बराबर आर टू प्लस आर वन डिवाइडेड बाई आर वन आर टू लिख सकते हैं। चलिए पलट देते हैं इसको, आर टू थ्री बराबर आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, ऐसा लिख देते हैं। आर वन प्लस आर टू की वैल्यू पता है ना हमको, इस दोनों का आर इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होगा? आर वन प्लस आर टू। आर वन प्लस आर टू की वैल्यू पता है 16 है। थ्री बराबर आर वन आर टू बाई 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 16। तो यहां से आगे आर वन इंटू आर टू बराबर कितना, आर वन आर टू बराबर 16 इंटू थ्री, 16 इंटू थ्री 48। ये आ जाएगा हमारा, अच्छी बात है, ओम स्क्वायर आएगा। हमको क्या क्या पता है, R1 into R2 पता है, और दूसरा क्या पता है, R1 plus R2 बराबर कितना है 16 ओम। अब हमको क्या चाहिए, R1 R2 को अलग अलग कैसे करेंगे, तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। यदि हम ये निकाल दें R1 minus R2 का स्क्वायर को, इतना लिखा जा सकता है R1 plus R2 का स्क्वायर minus 4 R1 R2, लिख सकते हैं इसको, जो ही तोड़ोगे कट कुट के वापस इसके बराबर हो जाएगा। तो घर तो बैठ के तोड़ के देख लीजिएगा आता है कि नहीं, तो गड़बड़ भाग जाएगा। आर वन प्लस आर टू कितना देके रखा है 16 और माइनस 4, आर वन इंटू आर टू 48। अच्छा 16 का स्क्वायर है ना, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारा नहीं पता है, 14 में 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256, 256 माइनस ये हो जाएगा कितना 192। अब इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना, ये जाएगा 64। मतलब R1 माइनस R2 का स्क्वायर हमारा आ गया 64, तो R1 माइनस R2 बराबर कितना 8। मतलब R1 माइनस R2 पता चल गया 8 है, R1 प्लस R2 पता है 16 है। तो अब हम निकाल सकते हैं दोनों को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ दो, क्या आएगा, कहाँ लिखे भाई, यहाँ लिखते हैं। चलिए तो R1 प्लस R2 बराबर कितना है 16, 16 और R1 माइनस R2 बराबर कितना है, कितना है 8। जो ही जोड़ेंगे ये दोनों कट जाएगा, इधर से बचेगा 2R1 बराबर 24, तो R1 बराबर कितना 12 ओम, तो R1 बराबर 12 ओम। अब R2 निकालना है तो R2 की वैल्यू पुट की, चलिए किस में पुट करें, इसी में पूरा कॉपी भर दिए हैं, तो R1 माइनस R2 बराबर कितना 8 है इक्वेशन 2 से। तो R1 हमको पता है, R2 बराबर क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस 8 और R1 कितना निकाले 12 माइनस 8 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 4। थोड़ा दाहिना बाइना हो गया है तो समझ जाइएगा भावनाओं को, ठीक है, आसान है, जो कहा है उस नहीं करते जाइए, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ये मेथड से यूज कीजिएगा, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कैसे होता है, सब समझ में आएगा। स्क्रीन का शॉट ले लीजिए, चलिए अब ये आसान है, क्या क्या कह रहे हैं, राइट डाउन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज वायर, फ्यूज वायर के दो गुण बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके व्यवहार। पहला क्या होता है, इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज वायर का ऐसा ही होता है ना फ्यूज, और इसके अंदर ये वायर लगा होता है इसको फ्यूज वायर कहते हैं, इसके अंदर भी क्या लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है इसको फ्यूज वायर कहते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए सबसे पहली बात, और दूसरा क्या होना चाहिए, इट शुड हैव लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसके स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए।
ओके, तो कम रेसिस्टिविटी होगी तो क्या करेगा, इजिली इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने देगा। इसलिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखोगे इसका। क्या रहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इन द गिवन सर्किट। अभी जस्ट देखे थे इनकमिंग आने वाले को एक तरफ और जाने वाले को दूसरे तरफ, तो जो आ रहे हैं उसको आने दो। तो आ कौन कौन रहे हैं, ये हमारे बाबू साहब आ रहे हैं, यो आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं, तो सबको एक तरफ रख लिए। 7 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर और प्लस 2 एम्पियर, ये आने वाले बहादुर हैं। जाने वाले बहादुर को हम जाने देते हैं। चलिए, जाने वाले बहादुर कौन है, एक ये जा रहे हैं एक ये भी जा रहे हैं, तो मतलब 3 एम्पियर प्लस आई, ये कितना हो गया, 7 × 5 = 12, 12 × 2 = 14 एम्पियर बराबर 3 एम्पियर प्लस आई। तो लिख सकते हैं 14 − 3 एम्पियर बराबर आई, तो आई बराबर कितना हो गया हमारा 11 एम्पियर। तो 11 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजी है, जो आ रहा है उसको जो एक साथ जोड़ो, इक्वल के बाद जाने वाले को जोड़ दो, निकल जाएगा। क्या कह, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एंड एक्सप्लेन ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। मतलब सिंपल सा हमसे पूछ रहा है कि रेसिस्टिविटी के लिए आप इक्वेशन बताइए और उसके हर एक टर्म के बारे में बताइए कि वो क्या है नहीं है। तो सबसे पहले रेसिस्टिविटी होता है क्या, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, समझ लीजिए मटेरियल क्या प्रॉपर्टी होती है, रेसिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है कि वो कितने पावर के साथ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करेगा, रोकना चाहेगा, वो क्या कहलाएगा इसकी रेसिस्टिविटी। डेफिनेशन पूछ नहीं रहा है, फिर भी आप रख लो अपने ज्ञान में। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रॉन्गली ए गिवन मटेरियल अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा है। तो आर इक्वल्स टू, ये बार बार याद किए, रो एल बाई ए, तो इसमें से रो को अलग करोगे तो क्या लिख सकते हैं, रो बराबर आर ए बाई एल। ये पूछे हुए क्वेश्चन रेसिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा क्या रेसिस्टिविटी, ये क्या हमारा रेसिस्टेंस, ये क्या हमारा एरिया, ये वाला, अरे दादा ये लाल पीला हरा के चक्कर में ना, ये एरिया रेसिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ओके, ये एल क्या है लेंथ, चलो हमें एल लिख लेते हैं लेंथ, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो रेसिस्टिविटी इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी बराबर रेसिस्टेंस एरिया बाय लेंथ, लिख सकते हैं सब टर्म को लिखे हैं, आर रेसिस्टेंस है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, देखोगे आर का ओम, आर का ओम और एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर बाय मीटर, मीटर से ये साफ हो गया, तो लिख सकते हैं ओ एच एम ओम और यहां से क्या मीटर, तो ओम मीटर। अब सवाल है इसके डायमेंशन की, यहां तक समझ में आया, एकदम आसान सा चीज है, डायमेंशन भी सीख लीजिए क्योंकि याद नहीं रहता है। और डायमेंशन आपको कब पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, यदि कभी रेसिस्टिविटी आपसे पूछता है तो वहां पे आगे क्वेश्चन पूछे हुए तो वहां पे आपको उसके यूनिट भी लिखना पड़ेगा, डायमेंशन भी लिखना पड़ेगा। इसलिए डायमेंशन को समझिए कैसे लिखते हैं, हमको भी याद नहीं रहता है। तो सबको इरेज कर देते हैं, अब चलते हैं इसके ऊपर, रेसिस्टिविटी का हमको लिखना है, तो हमको नहीं कुछ फॉर्मूला रेसिस्टेंस का हमको याद ही नहीं है, हमको जो याद है फॉर्मूला उससे चलते हैं। रेसिस्टिविटी को, रेसिस्टेंस को क्या जानते हैं, वी इक्वल्स टू आई इंटू आर, ये तो पढ़े हैं, तो यहां से आर बराबर क्या लिख सकते हैं, वी बाई आई, वी बाई आई और एरिया बाई एल। वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क बाई क्यू इंटू आई और ये हमारे एरिया बाई लेंथ। वर्क का तो ध्यान में रखना पड़ेगा, छोटा छोटा चीज है, बार बार यूज होता है, इसका लिखते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, चार्ज का होता है हमारा ए टी, करंट का होता है ए, एरिया का एल स्क्वायर और लेंथ का एल। अब देखते हैं क्या क्या साफ होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे करेंगे करेंगे, इरेजर लगाएंगे पहले, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे,
m कहाँ है, एक यहाँ m है और कहीं m नहीं है, तो m पर m लिख दिए। अब l कहाँ है, l दो l यहाँ पे है, दो l यहाँ चार, और ये नीचे है मतलब माइनस एक, तो चार माइनस एक तीन, तो l थ्री। t t कहाँ कहाँ है, माइनस टू यहाँ एक है, ये ऊपर जाएगा तो एक और माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस थ्री। अब a a ए यहाँ एक है, एक यहाँ, तो ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस, तो क्या है एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। कितना आसान है, कौन इसको रटेगा, न रटिए, समझ के रखिए कि ऐसे निकलता है। चलिए अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 12 ओम इज इलोंगेटेड टू डबल इट्स लेंथ, फाइंड द न्यू रेसिस्टेंस। अभी पिछले में जैसे निकाले थे सेम कहानी वही करेंगे, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा आपको आंसर शीट लेके आते हैं। याद होगा अभी जस्ट पीछे वाले में सेम क्वेश्चन, किस में, इस वाले में, इसमें नहीं यार, इस वाले में हमने क्या निकाला था, आर टू इज इक्वल टू फोर आर वन। सेम कहानी करेंगे क्योंकि डबल किया गया तो दोबारा कुछ करना नहीं है। तो क्या है हमारा, R2 बराबर 4 इंटू आर वन, आर वन कितना दिया 12, मतलब 4 इंटू 12 मतलब 48 ओम। डबल रहेगा तो एक लाइन में ये लगा सकते हैं, क्योंकि दो नंबर में है तो जैसे पीछे वाले को बनाया गया है वैसे पूरा ला के R2 बराबर 4 आर वन निकालना है, उसके बाद इसको लगाना है, तो 48 ओम हमारा आ जाएगा। तो ऐसे फकैती वाला काम हमारी तरह नहीं कीजिएगा, कीजिएगा अच्छे से। अब चलिए 19 क्या है, डिफाइन द टर्म रेसिस्टिविटी एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। रेसिस्टिविटी क्या है, जस्ट पीछे भी देखे थे, और इसके एसआई यूनिट को लिखिए, तो मतलब इसके एसआई यूनिट को लिखेंगे तो साथ में डायमेंशन भी लिखेंगे, डायमेंशन लिखना है पीछे सिखाया है रेसिस्टिविटी का। ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विथ चेंज इन टेम्परेचर फॉर टिपिकल सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी पूछा, रेसिस्टिविटी तो कह सकते हैं दूसरे टर्म में रेसिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इज रेसिस्टिविटी, या ऐसे समझ लो आर इक्वल्स टू क्या होता है रो एल बाई ए। दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया, ऐसे भी रेसिस्टिविटी क्या होता है, अपोजिशन ऑफर्ड बाई द मटेरियल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, जो पिछले वाले में डिफिनेशन था। यदि हम सो क्या कह रहा है कि यूनिट लेंथ मतलब एल की वैल्यू को वन कर दिया जाए, और क्या क्या रहा है यूनिट एरिया मतलब एरिया को भी वन कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा रेसिस्टिविटी। तो यूनिट एरिया यूनिट लेंथ के लिए हमारा जो रेसिस्टेंस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इसका रेसिस्टिविटी, या पिछले वाला डेफिनेशन लिखना है वो लिख सकते हैं, तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू आर ए बाई एल। इसका रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर भी जस्ट पीछे देखे हैं, इसका डायमेंशन भी निकाल के देख चुके हैं। अब कह रहा है दूसरा पार्ट इसका कि ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद चेंज इन टेम्परेचर फॉर ए टिपिकल सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के केस में हमारा देख रहे हो ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, रेसिस्टिविटी जो ही बढ़ेगी, रेसिस्टिविटी बढ़ाएंगे तो उसका सॉरी टेम्परेचर यदि हम बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी क्या होती है, यदि टेम्परेचर यहाँ पे मान लो 10 डिग्री था, रेसिस्टिविटी कुछ इतनी मिल रही थी, यहाँ पे 20 डिग्री की है तो रेसिस्टिविटी कितनी मिलनी शुरू हो गई, इतनी, और टेम्परेचर बढ़ा दिए तो रेसिस्टिविटी क्या हो गई, यदि यहाँ पे मान लो 50 था यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो और ये नीचे आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टिविटी सेमीकंडक्टर केस में क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। तो भावनाओं को समझ रहे होंगे, और ये तो पहले ही फिगर देख ही चुके हैं, कुछ कहना नहीं है इसके बारे में। तो जब पूछा जाएगा तो आप यूनिट तो लिखिए, साथ में डायमेंशन भी लिखना है। क्या रहा, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ टू प्राइमरी सेल। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, क्या इफ ए कॉन्स्टेंट करेंट इज पासिस थ्रू ए वायर, यदि किसी वायर से एक कांस्टेंट करंट पास कर रहा होता है थ्रू ए वायर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया क्या है, वायर का एरिया यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ यदि ए है एरिया
तो यहाँ भी एरिया ए है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोर्शन, मतलब जितना ज्यादा दूर जाएगा ठीक है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब यहाँ का पोटेंशियल अलग है यहाँ का पोटेंशियल, जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया वो इसके क्या होगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके लिए? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, और कॉन्स्टेंट करंट फ्लो हो रहा होगा। तो अब दूसरा क्या रहा है, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में भैया ये है हमको क्या कह रहा है कि भैया यूज टू कंपेयर द ईएमएफ टू प्राइमरी सेल्स, एक ईएम प्राइमरी सेल ये, दूसरा प्राइमरी सेल ये। इसके डिटेल पांच नंबर वाले में पूछा हुआ है, इसको देखेंगे वहां पे। फिलहाल थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, आप नहीं भी लिखोगे दो नंबर केस में चलेगा आपका। तो E1 और E2 क्या हमारे, EMF किसका, दो सेल का बता रहा है सेल, और L1 L2 क्या है, रिप्रेजेंट द लेंथ फ्रॉम द पोजीशन ए एट विच कर्व, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आता है, नल पॉइंट अचीव करता है, तो वहां से हम कह सकते हैं EMF जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, पोटेंशियल भी बोल रहा है, पोटेंशियल EMF क्या होता है, लगभग सेम ही सेल की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, EMF की बात करते हैं, तो कह सकते हैं E2 by E1 is equals to L2 by L1। इसको पांच नंबर और डिटेल में देखेंगे, फिलहाल दो नंबर के लिए है तो इतना ही आपका काफी है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ ए, चलिए पहले इसको लिख लीजिए, क्या है, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ ए स्टूडेंट कनेक्ट वोल्ट मीटर इन सीरीज एंड एमीटर इन पैरेलल इन ए सर्किट। हम लोग जानते हैं वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है पैरेलल, और एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में। लेकिन इसने क्या किया, वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ दिया और एमीटर को पैरेलल जोड़ दिया, तो मतलब दोनों जिसको जहां जोड़ना था वहां ना जोड़ के उल्टा जोड़ दिया, होशियार बच्चा होगा। तो क्या होगा, वोल्ट मीटर के पास क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है, क्यों, क्योंकि भैया वो सीरीज में पैरेलल में जुड़ा होता है, यदि लो रेसिस्टेंस होगा सारा करंट उसी से होकर जहां शुरू कर देगा, उसके बाद हाई रेसिस्टेंस होता है। व्हेन इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, यदि इसको सीरीज में कनेक्ट कर देगा तो क्या करेगा, वो करंट के फ्लो को रोकेगा, डिक्रीज करेगा करंट को। दूसरा चीज, एमीटर को यदि पैरेलल में जोड़ देंगे तो एमीटर कैसे जुड़ा होता है, सीरीज में जुड़ता है, तो सीरीज में उसको क्या, करंट को फ्लो करने के लिए ना वो जुड़ा हुआ है। यदि मान लो उसको पैरेलल जोड़ दिया, मतलब एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, यदि उसको पैरेलल जोड़ देगा तो सर्किट से क्यों करंट को जाने देगा, वो अपने पास से जाने देगा, भैया मेरे पास कोई रेसिस्टेंस नहीं है, बहुत कम है, तो आप मेरी तरफ से ही निकल लो, तो क्या हो जाएगा, तो एमीटर के पास क्या होता है, लो रेसिस्टेंस, सो व्हेन इट कनेक्टेड इन पैरेलल तो करंट वुड पास बाईपास द सर्किट, मतलब सर्किट से ना जाके क्या करेगा, एमीटर से जाना शुरू कर देगा, ऑल गोज थ्रू द किससे, एमीटर, जिसके कारण क्या हो जाएगा, एमीटर हमारा ग्लो कर सकता है, जल सकता है, समझ रहे हैं, जल जाएगा। तो ये कहानी में ट्विस्ट आएगा, 2009 में ये ट्विस्ट आया था। 2009 में एक और क्वेश्चन पूछा है, क्या रहा है, व्हाई इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेकेंडरी सेल इज लो, सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस लो क्यों होता है। तो सिंपल सा है, तो सेकेंडरी सेल इज डिस्टेंस बिटवीन जो हमारे दो इलेक्ट्रोड्स है, इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, ग्रेटर, ओके, एंड द साइज क्या होता है, साइज भी इसके बड़े होते हैं, जिसके कारण इसमें पोलराइजेशन नहीं होता है। पोलराइजेशन क्या होता है वो आप अपने सर से पूछियो। तो पोलराइजेशन सेकेंडरी सेल में नहीं होता है, ड्यू टू दिस कॉज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी सेल इज लो, इन कारणों से इसका साइज बड़ा होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है, पोलराइजेशन नहीं होता, जिसके वजह से क्या होता है हमारा सेकेंडरी सेल में हमारे रेसिस्टेंस का क्या होता है, लो होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छा लगा होगा, यदि आपको अच्छा लगता है तो भाई कुछ कमेंट किया करो कि और क्या चाहिए आपको, ठीक है, और कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, अच्छा लगता है आपके कमेंट्स आते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।